करौली जिले में जमीनी स्तर पर लड़ाई जारी है। ओबी कंपनियां लगातार मजदूरों का शोषण कर रही है। कंपनी के आने से बेरोजगारों को एक आस जगी थी, लेकिन प्रभावितों की आशा निराशा में बदल गई। यही वजह है कि प्रभावित परिवार गली गली की ठोकरें खाने के लिए मजबूर है। दूसरी ओर दुधी चुआ अमलोरी निगाहें में कार्य कर रही ओबी कंपनियों के अंडर में कार्यरत स्थानीय श्रमिकों के शोषण से आक्रोश व्याप्त है। दुधी चुआ में ओबी हटाने का काम कर रही बीपीआर कंपनी में बरसात के दौरान ब्लास्टिंग का काम बंद था। बीपीआर कंपनी के अधिकारी ने ब्लास्टिंग करने वाले सभी मजदूरों को ऑफिस एवं नाली मल मूत्र शौचालय साफ करने के लिए कहा, जहाँ नाराज मजदूरों ने मलमूत्र साफ करने के लिए साफ तौर पर मना कर दिया। बीपीआर कंपनी के अधिकारी ने सभी को कंपनी से बाहर निकालने की धमकियां दी। पांडे किस कंपनी में ड्यूटी करते हैं? बीपीआर। किस कारण को लेकर आज आपने चक्का जाम किया यहाँ पे? ये चक्का जाम इसलिए हुआ कि हम लोग माइंस में काम करते हैं और माइंस के अलावा अब 3-4 दिन से बारिश हो रही है तो सबको बैठा के पेमेंट दे रहा है। हम लोगों से मिट्टी डेली फेंकवाता है। आज जो मिट्टी फेंकवा रहा था वो मिट्टी थी चारों तरफ, उधर माने लेट्रिन और बाथरूम के चारों तरफ वो कचरा, और उसी में वो बोलता है कि आज यही काम है, अगर आज आप ये काम नहीं करोगे तो मेरे पास माने नहीं है, आप जाओ। और आप हमारी बोल रहा कि आपकी नौकरी भी जाएगी। कौन बोला नौकरी जाएगी? ये अभी शशि बोला है। शशि कौन है कंपनी? ये शशि अब कंपनी का एचआर है क्या है, अब अधिकारी बनता है, और वो बोलता है कि आप रीति पाठक के आदमी हो, आप यहाँ से चले जाओ, आपकी नौकरी चली गई, और नहीं तो करना है तो यही लेट्रिन बाथरूम में काम करो। तो कंपनी में आपसे जबरदस्ती ही लेट्रिन और बाथरूम में काम? हाँ, जबरदस्ती। हम लोग पहले से भी इसका माने पहले भी मिट्टी तो 2-4 बार बातचीत हो गया, हमारी हाजिरी भी 2-4 काट चुका है, और फिर भी वो जबरदस्ती करवा रहा है। नहीं करेंगे तो अटेंडेंस नहीं लगाएंगे, और बोलता है कि अब तुम्हारी नौकरी भी तुमको नहीं देंगे। आज 15 लोगों का अटेंडेंस कटा है, और ये बोलता है कि आज यही हमारा काम है, लेट्रिन बाथरूम में मिट्टी डालो, नाली साफ करो। सिंगरौली से अनिल कुमार दुबे की रिपोर्ट।